घर पे दो बंदा है, रश करेंगे एक साथ। कहां पर है बंदा? ओहो यहां पर बैठा एक बंदा, एक छोटा सा हेडशॉट। क्या एक छोटा सा हेडशॉट, एक बंदा ऊपर बैठा है, जल्दी से रश करेंगे एकदम से। मैं 87 द शॉट, बंदा खत्म, बहुत हार्ड। हेलो गाइस, वेलकम टू अर्बन गेमिंग, वेलकम टू फ्री फायर बैटल ग्राउंड। तो आज सभी के लिए एक बहुत बड़ा गिवअवे रखा है निमो टीवी पे, 10 आलोक कैरेक्टर का, मतलब 10 500 डायमंड्स करके गिवअवे है, मतलब 500 टॉप अप का। तो ज़रूर अभी का भी डिस्क्रिप्शन पे लिंक से निमो टीवी डाउनलोड करो। आज 9 बजे के बाद निमो टीवी पे 10 आलोक कैरेक्टर गिवअवे, 10 500 करके डायमंड्स गिवअवे, 500 करके टॉप अप। तो ज़रूर डाउनलोड करके फॉलो कर लो, रात ही गिवअवे है आज रात को 9 बजे के बाद, सरप्राइज गिवअवे रखते हैं अर्पण भाई, तो ज़रूर फॉलो कर लो। और आज का गेम प्ले पे कुछ मज़ेदार करेंगे, लास्ट पे हीलिंग गन का फाइट देखने को मिलेगा आपको, और कुछ M887 का सुपर पावर देखने को मिलेगा जिससे आप सुपर शियन की तरह बंदे को लड़ाई करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, और प्रो टिप्स तो चलता रहेगा कैसे आप खेल सकते हो, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और चैनल पर नए आए हो जरूर वो लाल सब्सक्राइब बटन है उस पर छोटा सा हेडशॉट मार दो, और चलो स्टार्ट करते हैं आज का गेम प्ले। एंड निमो टीवी पे जरूर फॉलो कर लो मेरे भाई, आज 9 बजे के बाद गिवअवे स्टार्ट होने वाला है 10 500 डायमंड 500 रुपीज़ का। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो हम उतर रहे हैं पीक पर, और हमारे साथ 2-3 चिचोरे बंदे आ रहे हैं देख सकते हो, और आई थिंक हमारे साथ ही उतरेगा लग रहा है यार। भाई साहब हमारे साथ आ रहे हो क्या? भैया आ गया हमारे साथ ही आ गया। जल्दी से लैंड माइन एक लिए हैं हम, लैंड माइन लगाएंगे। वो भाग रहा है मेरे सामने से ही भाग रहा है, मेरे को मिल चुका है M14 एंड लेवल 2 का वेस्ट। और एक बात, M14 आप चला रहे हो और M14 देख सकते हो 50 करके डैमेज है, मतलब बहुत ही कमाल का डैमेज है भाई M14 पे। वो भाई जल्दी से मार रहे, कवर लेंगे। तो आपका हाथ इतना फास्ट रखो कि जब बंदे आप मारे कबर ले सको, और ये M14 आप यूज़ कर सकते हो जब आप फर्स्टली खेल रहे हो मैच पे उतरने के बाद। ये बहुत ही प्यारा डैमेज देता है 50 करके, देख सकते हो। ये बंदे को यहाँ पर दिख रहा है, हेड दिखा भैया, हेड दिखाओ, मारेंगे। ओ हेड दिखाओ रे भैया, क्या कर रहे हो यहाँ पर? एक शॉट, ओ 50 का डैमेज देख सकते हो, कितना तगड़ा डैमेज है 50। आपका M14 कितना हाईएस्ट डैमेज देता है कॉमन में मेरे को ज़रूर बताना। 37 38 50 एंड पूरा स्क्वाड खत्म, वो भी लॉन्ग रेंज पे एक पूरा स्क्वाड खत्म हो गया, बढ़िया। वो भी M14 से, मतलब M14 बहुत बढ़िया लगता है जो डैमेज वो देता है ना 50। आपका कितना डैमेज देता है कॉमन पे बताना ज़रूर, क्योंकि मैं 50 देखा है, उसके ऊपर मैं तो नहीं देख रहा हूँ। चलो जल्दी से यहाँ पर लूट करेंगे, उसके बाद बंदे को फिर से मारने चलेंगे, क्योंकि हम बंदे रश करके खेलेंगे। और M14 एंड ग्रोज़ा हमको मिला है, ग्रोज़ा भी तो बढ़िया है, बट अभी बंदे ज़्यादा XMAT यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि XMAT यूज़र ज़्यादा बढ़ गया है, मैं देख पा रहा हूँ। ग्रोज़ा एंड M14 लेके हम जा रहे हैं, और बंदे के ऊपर रश करने से पहले डैमेज दो, उसके बाद रश करो। और देखो दूर पे हमारा 2 बंदा खड़ा है, ठीक है? तो हम यहाँ से मारने की कोशिश करेंगे, डैमेज देंगे, उसके बाद रश करेंगे। बंदा मार रहा है, जल्दी से डैमेज करेंगे। 14 50 43 34 एक बंदा राउंड। तो देखो एक बंदे को हमने डाउन भी कर दिया, बट हम रश नहीं करेंगे अभी, क्योंकि हील हमारा बहुत कम है। तो पहले हील कर लो, उसके बाद अब रश करो तो ही अच्छा होगा। अब खुले खुले रश करोगे तो एकदम भी बुरा लगेगा, बंदे आपको टकले फोड़ देगा। तो अब हम लोग डैमेज किया है, वो लोग बैकअप जा रहे हैं हील करने के लिए, और इसी परफेक्ट टाइम में रश करने का, आपका अच्छा स्क्वाड हो तो हम रश करें। ग्रोज़ा लेके वो भी देख सकते हो, ग्रोज़ा लेके रश करें। और लैंड माइन की तरफ एक याद रखना, लैंड माइन एक बहुत ही खास चीज़ होता है जो अभी काम आएगा, देख लो। और यहाँ पर हम जा रहे हैं, बंदे कहाँ से मेरे को पड़ा एक M887 का शॉट, और लैंड माइन लगा के अब भाग रहे एकदम, और ये लैंड माइन से बंदा गया 163 का डैमेज गया। और यहाँ पर हमारा बंदा एक बंदे को डाउन कर चुका है, और उसका पड़ चुका है 163 का डैमेज, बंदा आई थिंक डैमेज करने के लिए आ गया, एक शॉट खत्म। तो यहाँ पर बंदे ने गलती कर दी, और मैं एकदम से वो M1887 लेके आ रहा था, मैं लैंडमाइन लगा दिया था। तो लैंडमाइन अपने काम पे यूज़ करो, जब देख रहे हो बंदा आपके पीछे दौड़ रहा है, लैंडमाइन लगा के तुरंत से चले जाओ, बंदा देखो यार वो मरेगा ही मरेगा। तो ऐसा होता है, बंदे को यहाँ पर आना नहीं चाहिए था। और यहाँ पर क्या है, फैक्ट्री पर बंदा है आई थिंक, लग रहा है। नो मेड किट, नो एकदम से नो ग्लू वॉल, जल्दी से डैमेज करेंगे एक बंदा राउंड, और क्लोज रेंज की फाइल लेंगे। जब आपके पास हील नहीं हो कोशिश करो क्लोज रेंज की फाइल लेने की, क्योंकि लॉन्ग रेंज पे आपका डैमेज होता है ना, आपको कवर पे रहना पड़ता है, हील करना होता है। बट मेट किट नहीं रहेगा ना तो आप ऐसा नहीं कर सकते, तो मेट किट नहीं रहेगा तो क्लोज पे ही आपको खेलना पड़ेगा। ज़्यादा से डैमेज करेंगे,
बंदा भाग रहा है, मारो इसको भैया। ओ गया बंदा खत्म। तो 4 किल कंप्लीट हमारा, वो भी फैक्ट्री पे। तो फैक्ट्री किंग होता है वो भी सबाइवर का, जो रैंक पुश प्लेयर का फैक्ट्री होता है। तो चलो देखते हैं बंदे को हम मिलता है कि नहीं, फिर से किल करने हम लिख लेंगे। चलो क्रॉक टॉर्च चलते। ओ भाई साहब बहुत ग्लूवल एंड मेडकिट मिल चुका है हमको। तो जब भी आपको मेडकिट ना आपके पास हो तो आप ज़रूर बंदे के ऊपर रश करके खेलो, मतलब क्लोज रेंज की फाइट लो, क्योंकि आपके पास मेडकिट नहीं होगा तो क्लोज रेंज की फाइट लोगे तो हील करना नहीं पड़ेगा, बहुत कम हील करना होता है। बट लॉन्ग रेंज की फाइट लोगे आपको बार बार हील करना होता है अच्छे बंदे हो तो क्लोज रेंज की फाइट लो जब आपके पास मेडकिट ना हो। तो चलो आप चलेंगे एकदम पीक पर। मेरे को मिल चुका है वही M887, आई थिंक स्कार कर लेंगे। चलो भैया स्कार कर लेते हैं, स्कार नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ग्रुजा से भी मेरा स्कार बढ़िया है। और जो लोग बोल रहे हैं यार मैं कुपिट स्कार यूज़ क्यों नहीं करता, क्योंकि उससे भी अच्छा स्कार है भाई। बंदा आ रहा है, दूर पर लड़ाई चल रही है, जल्दी से फ़ायदा लेंगे। 21 करके डैमेज। अरे भाई मेरा हाँ किल चोरी कर ली भैया ने। ओ भाई चलो कोई ना, चलो किल वहाँ पर चोरी हो गया। हम फिर से यहाँ पर आ चुके हैं। अब आप पॉचिनॉक पे जाएंगे, लास्ट जोन जहाँ पर बनने वाला है। आप रश प्लेयर हो तो ज़रूर रश करके खेलो, सवाइव प्लेयर हो तो जोन के कोने में रहो, जोन के मिडिल पे एकदम मत जाओ भाई, मतलब बहुत टफ होता है। आप अच्छे प्रो प्लेयर भी हो, मिडिल पे जाओगे सैंडविच बन जाओगे, तो इसके लिए धार पे रहो। आप रश प्लेयर नहीं, आप रैंक पुश करना चाहते हो। तो यहाँ पर बंदा दिख रहा है, जल्दी से 21 करके डैमेज लेंगे। ओहो बेटी यहाँ पर जा रही है, बड़ो लोग के लिए बेटी लोग भाई। यहाँ पर चलो जल्दी से एक नेट फेंकेंगे, एक दो जल्दी से रश करेंगे। आप बंदा यहाँ पर होगा, आई थिंक दो बंदा तो होगा ही, क्योंकि ये बंदा ओहो बैठा है यहाँ पर। एक छोटा सा हेडशॉट अर्पण भाई का दिया, चलो जल्दी से मारेंगे, जल्दी से। यहाँ पर एक जंप हेडशॉट मारा, इसको डायगोनल जंप हेडशॉट बोलते हैं। जल्दी से यहाँ पर रश करेंगे, दो शॉट बंदा ख़त्म, बहुत हार्ड। तो ये बंदा डैमेज था तो हमें रश कर दिया, इसका एक बंदा डाउन था। तो जब डैमेज करो रश करो ऑलवेज। और स्कार एंड M880 का कॉम्बिनेशन कैसा लग रहा है, देखते क्या होता है। 6 किल कंप्लीट, और कितना किल कर सकते हैं हम, पीछे से तो बंदा नहीं आ रहा। अब सिर्फ रश करेंगे, 6 बंदे और 11 बंदे जिंदा है हमको लेके, लास्ट सिचुएशन बनने वाला है। अब क्या होता है, बंदा है क्या यहाँ पर, बंदा नहीं है। पीछे से चलते हैं, आई थिंक दूर पर लड़ाई चल रहा है। चलो एकदम राइट से चलते हैं, लड़ाई करते हैं, लेफ्ट पे लड़ाई चल रहे हैं। हमारे बंदा जा चुका है यहाँ पर, स्कार का बंदा डैमेज करेंगे। एक बंदा डाउन एंड किल हो गया, डायरेक्ट किल हो गया। तो अभी भी बहुत सारे बंदे जिंदा है, देखते हैं क्या होता है, हम जीत पाते कि नहीं। ओ एक बंदा आ गया, चिचोड़े बंदे रुक जाओ यहाँ पर, जल्दी से डैमेज करके बंदा डाउन। जब क्लोज रेंज पे पहुँच नहीं पा रहे हो दूर से ही मारो तो भी बंदा मरेगा। ओ एक बंदा अभी भी है, यहाँ से नहीं निकल रहा। आई थिंक यहाँ पर बंदा बैठा है, देखो M887 लेके खड़ा है ये बंदा, दीवार की तरह ऊपर बैठे हैं। और यहाँ पर खड़े मत रहो, जो मारेगा हेडशॉट पड़ेगा। ओह नेट कर रहा है, नेट कर रहा है, उसके अंदर नेट चला गया, वो गया तेरे उसके अंदर नेट चला गया। बंदा जा रहा है, जल्दी से 2 डैमेज करेंगे, एक ही शॉट मारेंगे तो डाउन हो जाएगा। बट कोई नहीं, हमारे बंदे को पहले हील करेंगे, 12 लगा दिया, उसके बाद हील करते तेरे को भैया, हील कर देते, क्योंकि वो बंदा कभी भी आके नेट कर सकता है। तो ग्लूअल फोड़ना पड़ेगा बचाने के लिए, हम आ चुके, जल्दी से हील हो जा प्रासी। यहाँ पर बंदा है क्या, वो एक बंदा, वही बंदा जा रहा है, वही चिचोड़े बंदे जा रहे हैं। आई थिंक अब जोन जाने वाले हैं, वो बंदा जा रहा है, ग्लोर का कबर लगा दिया और 2 शॉट बंदा ख़त्म, छोटा सा कबर और ऊपर से मार रहा है। आई थिंक कितना बंदे, 1 2 3 4 5, मतलब 3 बंदे जिंदा है। आई थिंक एक स्वॉर्ड है, एक सिंगल है। तो अब देखते हैं, समझ के खेलना पड़ेगा। हम बुया करने के करीब है बहुत ही ज़्यादा, 9 किल हो चुका है, 10 किल तो एटलीस्ट करेंगे। लास्ट जोन बन रहा है, यहाँ से नेट करेंगे, आई थिंक बंदा है तो नेट कर दो, जहाँ भी हो सके नेट करो लास्ट जोन पे। और यहाँ पर देखते क्या होता है, बंदा कहाँ पर बैठे हैं। 9 किल कंप्लीट, 10 किल रिकॉर्ड करेंगे। M887 अपना सुपर पावर दिखाओ, जैसे हेडशॉट पावर दिखा रहे हो। वो भाई नेट आ रहा है, ऊपर से नेट आ रहा है, जल्दी से यहाँ से कवर लेंगे। बंदा आ गया, जल्दी से एक मारेंगे, एक बंदा पूरन से किल हो गया, लास्ट जोन बनने। अरे भाई साहब बंदा आया है नहीं, ये क्या हो रहा है भाई, हील करो भाई, ऊपर वो लोग भी हील कर रहे, जल्दी से हील करो। और डाउन हो गया रे, अरे ख़त्म, पूरा ख़त्म हो गया हम लोग। बट हीलिंग गन चैलेंज मज़ा आया वीडियो पे। तो वीडियो को अच्छी लगे लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब जरूर करना। लास्ट में हीलिंग चैलेंज कभी भी मत करना, बट हो गया था लास्ट सिचुएशन, फड़ी वाला बन गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और ज़रूर वीडियो को लाइक एंड शेयर करो। बाय बाय सभी को।